अनिका बेटा, कैसा महसूस कर रही हो तुम? चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? भाभी जान, मैं देख लूंगी। आप नीचे तकरीब में जाइए, आपका वहां होना जरूरी है। चलो ठीक है, तुम इसे एक ग्लास जूस पिलाओ, मैं जब तक मेहमानों को देख लूं। बस जल्दी लेकर आ जाना फिर। जी बहुत बेहतर, आप चलिए मैं आती हूँ। अनिका, उमेर बेटा आप भी जाओ नीचे। जी आप इनके लिए जूस ले आना, मैं तब तक इंतजार करूंगा। नहीं, अच्छा नहीं लगता, तुम नीचे जाओ, मैं जूस दे दूंगी अनिका को। उमेर, आप जूस ले आए प्लीज। उमेर को यही रहने दे, मेरा दिल बहल जाएगा। अनिका प्लीज। यार तुम, उमेर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। हाँ कहो। क्या सोच रही हो बताओ भी। उमेर तुमसे मोहब्बत करती हूँ। होश में तो अकल की बातें क्या करो, ये किस तरह की बात कर रही हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ, मेरा यकीन करो। मैं चाहती हूँ कि तुम ताईजान से कहो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते और हमारी शादी कर दें। मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार ताईजान से बात तो करके देखो। मैं और तुम कितने अच्छे दोस्त हैं ना, हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। प्लीज मेरी बात को यकीन करो। अनिका, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। माना कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई और ऐसी फीलिंग नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं नहीं करता ना।
मुझे पता ही नहीं चला। मुझे कब उमेर से मोहब्बत हो गई? लेकिन मैं बस इतना जानती हूं कि मैं उसे खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अनिका, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उमेर से मोहब्बत करती हो? क्या फर्क पड़ता मेरे बताने से किसी को? क्या फर्क पड़ता किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें, ना उमेर को, ना किसी और को। निका, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम मेरे लिए बहनों से भी बढ़कर हो। बहन? बहनें तो बहनों का घर आबाद करती हैं, इस तरह बर्बाद नहीं करती। सच बताओ, मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सजा मिल रही? और ऐसी सजा जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कैसे बर्दाश्त करूंगी? बताओ मुझे। अगर तुम्हें उमेर अब भी कबूल करता है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। सच कह रही हूं, क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। अल्लाह जाने किसने किसको क्या कहा है, क्या नहीं कहा, मुझे नहीं पता। साइमा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी भाई, ये सब लोग कहाँ चले गए? रस्म कब शुरू करनी है? भाभी फातिमा को लेने अंदर गई तो थी, लेकिन खुद भी वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। मालूम कहीं अनिका की तबीयत ना ज्यादा खराब हो गई हो। शफीक भाई, आप परेशान हो, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, तुम जाओगी, तुम खुद भी वहां बैठ जाओगी, मैं जाता हूं, मैं खुद देख लेता हूं। अनिका से शादी कर लो। जो वाली बातें कर रही हो तुम, अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूं। और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ? कहां गई तुम्हारी अब मोहब्बत? खत्म हो गई उसकी बात सुन के। मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि मैं किसी के दुखों पर अपनी खुशियों का महल तामीर करूं। तुम्हें कुर्बानी देने का शौक है ना, तो जरूर दो, लेकिन मुझे कुर्बानी का बकरा बनने का कोई शौक नहीं। अरे फातिमा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, तुम लोग यहाँ खड़े हुए हो? चलो चल के रस्म करनी है, लोगों को देर हो रही है, कोई फिक्र ही नहीं है तुम लोगों को। ताई मैं, आप चले, हम आ रहे हैं। नहीं, कोई चले वाले नहीं, मेरे साथ चलोगी तुम भी आओ।
बहुत देर हो चुकी है। उमेर, तुम रो रही हो, सब ठीक तो है? बताओ, तुम्हारी तबीयत तो तुम्हें इससे क्या? क्या ताल्लुक है तुम्हारा और मेरा? तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? क्या क्यों परेशानी क्या है तुम्हें? हाँ, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या मसला है? काम से काम नहीं रख सकते? मैंने सिर्फ तुम्हारी तबीयत का पूछा। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात? ऐसा लग रहा है जैसे किसी और का गुस्सा तो मुझ पर निकाल रही है।
कहाँ जा रही हो? चाची वो उमेर के कमरे में मेरा चार्जर रह गया है, वही लेने जा रही हूँ। क्या, दो दिन तुम्हारी शादी में रह गए फातिमा और तुम उमेर के कमरे में जा रही हो चार्जर लेने? सबर नहीं है, दो दिन नहीं गुजर सकते तुमसे, जाना चाहिए तुम्हें कमरे में? चाची मैं तो बस चार्जर लेने जा रही थी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम मुझसे बहस कर रही हो? फातिमा बेटा मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ मेरी जान, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ। क्या हुआ सुल्ताना? देखिए ना भाभी जान, दो दिन रह गए शादी में, अब अगर ये ऐसे सामने आती रहेगी तो क्या चेहरे पर खाक रूप आएगा? और वैसे भी अगर उमेर इसे रोज रोज देखता रहेगा तो क्या अट्रैक्शन रह जाएगी? सामने नहीं आना चाहिए, बस यही समझा रही थी। क्या कहती हैं आप? फातिमा तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उमेर के सामने मत जाना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम बिला वजह कमरे से बाहर मत निकलना, समझ गई तुम? जी दाई मैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है फातिमा? बस सोने की तैयारी कर रही थी। अच्छा बात सुनो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी। तुम ऐसा करो कमरे में ही खाना ले, दोनों साथ मिलके खाएंगे। तुम पागल तो नहीं हो? ताइमी ने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं तुमसे ना मिलूं। अच्छा तो तुम्हारे लिए ताईजान का हुक्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ भी नहीं? ये क्या बात हुई, मैं शाहीन से कह देती हूँ ना कि वो तुम्हारे कमरे में खाना भिजवा देगी। नहीं, खाना तो मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। तुम अगर खाना नहीं लेके आई ना मैं इस तरह भूखा ही सो जाऊंगा। मैं कहो अपनी होने वाली बीवी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने होने वाले शोहर को परेशान करना वो भी अच्छी बात नहीं। फौरन खाना ले आ। समझने की कोशिश करो, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो ताइमी से बहुत डांट पड़ेगी। अरे कोई नहीं है ना, सब सो गए। और सुनो अगर तुम 5 मिनट खाना नहीं लेके आई ना मैं इस तरह भूखा ही सो जाऊंगा। मैं मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। उमेर बहुत जिद्दी हो तुम। हाँ जिद्दी तो मैं बहुत हूँ।
आओ ना, खाना खाते हैं बैठ के। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम खाओ खाना। हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में पागल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो टाइमिंग आमी भी वो खाना देने के लिए। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था ना सामने नहीं आना, फिर क्यों आई तुम? मम्मी वैसे मना तो मैंने भी इसे किया था। सुना करो मम्मी की बातें, ठीक कह रही होती हूँ। चलो जाओ यहां से। सुनती नहीं है बात, मना किया था मैंने इसे। हाँ खैर आप छोड़े आए ना खाना खाए। अम्मी आए, अरे कहा था ना सामने नहीं आना, फिर क्यों आई तुम? मम्मी वैसे मना तो मैंने भी इसे किया था। सुना करो मम्मी की बात, ठीक कह रही होती। चलो जाओ यहां से। मेरी नींद उड़ गई है और तुम आराम से सो रहे हो। अब क्या हो गया? तुमने ताई अम्मी से झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं तो खुद से नहीं आई थी। तुम्हें पता ताई अम्मी के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है। तो अभी तक इसी बात को लेके बैठी हो, तुम ही बताओ मैं क्या करता। अगर अम्मी अब्बा को पता लग जाता ना कि मैंने तुम्हें जिद करके बुलाया, तुम्हारी सोच है मेरी शामत आ जाती। तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहा, जो मेरा हाल करते ना तुम्हारी सोच है। अच्छा यार अब तुम भी सोचो भाई, कल मेरी शादी है एक पागल लड़की से। लव यू, गुड नाइट। तुम भी सो जाओ भाई, कल मेरी शादी है एक पागल लड़की से। लव यू, गुड नाइट। अनीका, अरे तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कपड़े नहीं निकाले तुमने? क्या पहनोगी आज बताओ मुझे, मैं प्रेस करवा दूं। कोई तैयार नहीं होगा। क्यों मेरे कपड़े प्रेस करवाने के लिए तुली हुई है? क्यों मुझे बार बार फोर्स कर रही है कि मैं तैयार हो जाऊं? और अगर आपने मुझे कुछ पहनाना ही है ना तो कफन मंगवा ले, वो पहन के खड़ी हो जाती हूं मैं। अनीका, मतलब कुछ भी तुम कहती चली जाओगी बगैर सोचे समझे? और क्या करूं मैं? हाँ क्या करने के लिए कुछ बाकी रह गया? क्या बचा मेरी जिंदगी में? सब खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं। अनीका, मैं तुम्हारे लिए ऐसा शहजादा लड़का ढूंढूंगी ना, तुम देखना, दुनिया देखेगी मेरी बेटी की शादी, अमेर से लाख दर्जा बेहतर। मुझे शादी नहीं करना और ना ही मुझे इस शादी में शरीक होना, मैं जा रही हूँ।
सुनो मेरी बात, क्या हो गया है तुम्हें? बैठो यहाँ, जज्बाती हो रही हो तुम। सब भूल जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। देखो शादी का घर है, इतने काम है मुझे सब समेटने, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे करूंगी वो सारे काम? तुमने तो मेरा हाथ बटाना नहीं, बस तुम इतना एहसान करो कि तुम अपनी तैयारी कर लो प्लीज। कुछ भी हो जाए मैं इस शादी में शरीक नहीं हूंगी। क्या शादी में नहीं जाओगी? अरे लोग 10 सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? बस तुम्हारा वो ग्रीन वाला सूट टेलर के पास से आया है, मैं प्रेस करवा रही हूँ, अपनी एक्सेसरीज निकालो, टाइम पर रेडी हो जाना। अनीका, मेरी जान, मेरी बात समझ रही हो ना? माना कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई और ऐसी फीलिंग नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं नहीं करता ना। अनिका से शादी कर लो। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ? कहाँ गई तुम्हारी ये मोहब्बत? खत्म हो गई उसकी बात सुन के? मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि मैं किसी के दुखों पर अपनी खुशियों का महल तामीर करूं। तुम्हें कुर्बानी देने का शौक है तो जरूर दो, लेकिन मुझे कुर्बानी का बकरा बनने का कोई शौक नहीं। फातिमा, अब तक रेडी नहीं हुई? भाभी जान कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं? जी चाची, मेरा सामान तो रेडी है, बस 2 मिनट में नमाज पढ़ कर आई। नमाज इस वक्त? अभी तो अजान भी नहीं हुई। वैसे ही चाची, मैं सोच रही थी कि 2 रकात शुक्राने के नफिल पढ़। तुम भी ना। अरे 2 नफिल शुक्राने के तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो बच्चे, अभी देर हो रही है, जाओ। चाची, यही तो मौका होता है अल्लाह को याद करने का। हम गम में तो अल्लाह को याद कर लेते हैं, मगर खुशियों में भूल जाते हैं और अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। इसीलिए वो खुशियाँ वक्ती साबित होती हैं, इनमें बरकत नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा बेटा। तुम ऐसा करो, सुकून से नमाज पढ़ो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। जहाँ इतनी देर हुई है, थोड़ी देर और सही। मैं शाहिन से कह दूंगी, तुम्हारा बैग रख देगी वो। जज़ाक अल्लाह ताई अम्मी। बेटा। अरे बाबा आप। ये तुम्हारी शेरवानी। बुलाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आ जाता, या किसी मुलाजिम के हाथ भेज देते। तुम्हारी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ये शेरवानी देकर आऊं। बेटा जल्दी से तैयार हो जाना, तुम दूसरों की शादी पे जाते हुए इतनी देर लगाते हो, इतनी देर लगाते हो, तो फिर अपनी शादी पे कितनी देर लगाओगे? बस अभी से तैयार होना शुरू हो जाओ। आप फिक्र ना करें, आप समझे कि आज मैं रेडी हूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। थैंक यू।
क्या समझते हो खुद को? हाँ, जो तुम चाहोगे वो होगा, जिस पर चाहोगे अपनी मर्जी मुसल्लत कर दोगे। मासूम चेहरे पे गुस्सा बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी इन फजूल बातों से मैं अपना इरादा बदल दूंगी तो ऐसा होगा नहीं।